तो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है। ये पिट लेन है, यहाँ पे स्पीड लिमिट है। ये रहे मेरे पैडल शिफ्ट्स और मैं फिलहाल स्टीयरिंग को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इस सीट का जो कंफर्ट है ना, बहुत बेहतरीन है। आपको अंदर पकड़ लेती है ऐसे जकड़ के, तो यू डोंट मूव अराउंड। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं पहले इसे मोड चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इंडिविजुअल, उल्टा जाना चाहिए था, स्पोर्ट प्लस। ये मोड पे चलाऊंगा मैं। टोटल 2 लैप करने वाला हूँ। सबसे पहला स्लो लैप रहेगा जिसमें मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगा। तो बीच में वॉकी चलता रहेगा। जो पहली चीज करूंगा मैं स्लो लैप चलाऊंगा एक, और उसके बाद फास्ट लैप जाऊंगा। तो अब लगता है हमें जाना पड़ेगा बहुत जल्द। तो तैयारी चालू हो गई है जाने की। मैंने इसे मोड चेंज कर दिया है ऑलरेडी। तो अब लगता है हमें जाने का इंडिकेशन आ रहा है। मैंने गाड़ी डी में डाल दी और जैसे ये लोग मेरे को इंडिकेट करेंगे मैं जाऊंगा यहाँ से। तो इस गाड़ी में आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी है, यानी कि जो आगे डिस्प्ले आता है एक गाड़ी में। अब यहाँ पे स्पीड लिमिट 60 की है, तो इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ, यहाँ तेज नहीं जा सकते हम। तो जैसे ही मैं ये पिट पार करूंगा हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। दो मिनट पीछे ले इसको। तो अगर आपने देखा होगा सडनली लाइट चेंज हो गई, जो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखिए, ये लाइट चेंज हो गई, मैं आपसे बात कर रहा था और तभी मैंने छूट गया और मैं आगे रुक गया। तो ये पिट लेन होता है, यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करना और आपको फ्लैग फॉलो करने। तो अगर रेड लाइट है देन यू नीड टू स्टिक एंड स्टॉप। अगर रेड लाइट बाहर देखते हैं तो आपको स्लो जाना है एंड आपको आराम से जाना है उसमें। और थर्ड, अगर आप येलो लाइट देखते हैं, येलो फ्लैग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग, यानी कि आपको एक जोन है वहां पे स्लो डाउन करके चलाना है। यहाँ अब जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो वाइट कलर की है और इसके इंटीरियर ट्रिम अलग है। देखिए कॉफी टाइप कलर है और मैंने आपको 2 इंटीरियर्स दिखाए थे, एक कॉफी टाइप था और एक ब्लैक था। तो ब्लैक वाला जो है ग्रे कलर की गाड़ी का है और ये जो है दिस इज फॉर द सेकेंड वन, द वाइट वन। तो मैंने आपको एक्सटीरियर वाइट का ही दिखाया था, इंटीरियर मैंने दोनों कलर दिखाए थे अगर आपने नोटिस किया है तो। अब चालू होने वाला है हमारी ड्राइव बहुत जल्द। और इन्होंने देखो ग्रीन हो गया तो इन्होंने खोल दिया। ये नॉर्मली ये खुला ही रहता है, वी जस्ट हैव टू फॉलो द सिग्नल्स। और अब हम जल्दी है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी डेटा दिखा रहा है, बूस्ट, टॉर्क, पावर, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए जब आप टर्न करते हैं यू नीड टू गो ऑन द एपेक्स। अब अगर आप रेसिंग कार चला रहे हैं, अब ये लैप स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है मेरा ये लैप। तो अगर आप रेसिंग कार कभी चलाते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप टर्न में जाते हैं तो आपको स्लो एंड फास्ट आउट जाना है। तो यानी कि अगर मेरा टर्न है देखिए यहाँ पे, तो आई गो स्लो और उसके बाद मेरी पेस बढ़ती है। देखिए अब देखिए मैंने स्लो कर दी गाड़ी। नॉर्मली हम यहाँ से स्लो करते हैं ये कौन से, पर क्योंकि ये स्लो लैप है तो मैं ज्यादा इसे पुश नहीं करने वाला हूँ। और देखिए ये यहाँ से जो दिया है, यानी कि मुझे यहाँ से टर्न करना शुरू करना चाहिए एंड आई शुड जस्ट गो। ये जो कोन था यहाँ से मुझे ब्रेकिंग करना चालू की करना चाहिए। देखिए यहाँ ब्रेक किया मैंने और यहाँ से टर्न किया। और ये देखिए और यहाँ पे फिर एक टर्न है
यहाँ का लॉन्ग राइट हैंडर है, गाड़ी एकदम प्यार से जा रही है, ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। अभी तक तो जो मैं चला रहा हूं वो नॉर्मल मोड पे है। तो ये मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूं जो आप आवाज सुन रहे हैं। और यहाँ मैं स्टार्ट लाइन पे आ गया जिनकी स्टार्ट लाइन बनाई हुई है। अब देखिए आगे सारी लाइटें जो हैं रेड है और मैंने फिर स्पोर्ट मोड पे डाल दिया इसको, स्पोर्ट प्लस, एंड वी आर रेडी। सारी गाड़ियाँ पीछे जा, यू आर फ्री टू गो। हमने 150, 170 और ये ब्रेकिंग चालू किया है यहाँ से, एकदम हार्ड ब्रेकिंग। तो दिस हैज अ 4 लीटर इंजन दैट प्रोड्यूसेस क्लोज टू 612 bhp ऑफ पावर और इसका जो टॉर्क है वो 850 न्यूटन मीटर का है, विच इज फैंटास्टिक। इसमें 9-speed गियरबॉक्स आता है जो AMG ट्यून्ड है, यानी कि जो नॉर्मल E-क्लास का गियरबॉक्स आता है उससे बेटर ट्यूनिंग है इसकी। और अब देखिए हमने 200 क्रॉस कर लिया ऑलरेडी, 230, 240 एंड वी ब्रेक। मैं थोड़ा जल्दी ब्रेक कर दिया आई गेस, मैंने अंडर एस्टिमेट किया इसकी ब्रेकिंग। और यहाँ से हम टर्न करना चालू करते हैं और ये निकाल दी गाड़ी। तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इज फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट टू ड्राइव। अब यहाँ से मैं बराबर डिस्टेंस से ब्रेकिंग चालू किया है एंड हियर वी गो अगेन इनटू दिस टाइट हेयरपिन। और यहाँ पे फिर हम जा रहे हैं, जो इसका ESP है क्या किक इन होता है वो देखिए। यहाँ मैं एक्सीलेटर पे जस्ट छोड़ दिया, ब्रेक लगाया और यहाँ से फिर हम चल दिए। तभी यहाँ से मुझे फिर ब्रेक करना है और ये मैंने ब्रेक दबा दिया एंड देयर वी आर रेडी टू गो। यहाँ से मुझे फिर ये कॉर्नर पे थोड़ा टच करना ब्रेक्स को एंड देयर आई एम गोइंग। जो हैंडलिंग है गाड़ी की इज फैंटास्टिक, आई मीन जो M-क्लास M5 का जो आपको रिस्पॉन्स आता है स्टीयरिंग का, दैट इज वॉट दिस वन इज गिविंग आउट, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। और एक्चुअली देयर विल बी मोर ह्यूमन एरर मेरी तरफ से, बट दिस कार इज जस्ट, देखा आपने गाड़ी स्किड भी होती है अच्छी। और अब मैं पिट लेन में वापस जा रहा हूँ, सो माई स्पीड विल कम डाउन। That's all we have now. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, हमें फॉलो कीजिए on instagram.com/motoroctane2।